Yes, class. Hello, everyone. Class, as you know that we have discussed that is the trigonometrical identities, है ना? Trigonometrical identities में मैंने कुछ discuss करा था और कुछ formula नहीं करा था. तो चलो कर लेते हैं. उसमें क्या है? Trigonometry में identity में आपका जो होता है तीन. कुछ बच्चे थे है ना अल्टरनेट वाले, उनमें किक करा था और उसमें नहीं करता है ना. तो चलो कोई बात नहीं. तो क्लास ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी में आपके पास जो आइडेंटिटी है वो तीन तरह के आइडेंटिटी है ना जनरली. दैट इज द साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, और दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, और तीसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन. ये तीन आइडेंटिटी है इसके साथ, ठीक है ना. पहले क्लास लिसन विदाउट टॉकिंग, और इसमें जो होता है हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये कैसे आया, पन क्यों होता है, वाई व्हाट्स द रीजन. ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से लिख दूँ, है ना, ऐसा नहीं. किसी न किसी रीजन से आया होगा, है ना, फार्मूला. तो यहाँ पे जो होता है, जो हम लोग रीजन जो बताएंगे, इसको प्रूव करके बताएंगे कि ये इस तरीके से ट्रिगोनोमेट्री में जितनी बार क्वेश्चन करोगे, जितने बार रिवाइज करोगे, जितने बार पढ़ोगे, उतने तरीके से सोचने का मौका मिले. इसलिए जो कर रखे हैं वो भी उसी नज़र से देखें जैसे जो होता है फर्स्ट टाइम आप सीख रहे हैं. ये नहीं कि हमने पढ़ लिया या हमने ट्यूशन में पढ़ लिया, हमने यहाँ पढ़ लिया तो अब हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं. आप जितने जो होता है ना, जितनी बार आप देखोगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को, उतने तरीके समझ में आएंगे. अगर आप जो होता है वो तरीके नहीं समझ पाओगे, है ना, एक ही तरीका नहीं होता है ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करने का, या तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक ही तरीके नहीं होते. इसमें ओपन एकदम बिल्कुल कई रास्ते होते हैं, इधर से भी सोचें, इधर से भी, है ना. तो आप ये सोचो कि कोई भी क्वेश्चन अगर हम लोग कर रहे हैं तो कितना जल्दी हो जाए, कितना आसान सा रास्ता मिले, तो हम लोग उन्हीं सब पे बात करेंगे. तो लेटेस्ट क्लास देखो, हम लोग जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था, इसको पहले हम लोग प्रूव करते हैं. तो प्रूव में ये साइड हमारा होता है एल एच एस, और ये साइड होता है आर एच एस. ये साइड एल एच एस और ये साइड आर एच एस. तो एल एच एस में जो है, एल एच एस में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन है. हमें जो एल एच एस से हम लोग चलेंगे और आर एच एस में इसे प्रूव करें कि वन होता है. तो लेट अस वन, देखो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, डी अपॉन एच का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है, ऐसा तो बच्चा नहीं है जिसको समझ में जाए, वो याद है ना सब रेशियो, सब याद है. ऐसे कौन से बच्चे हैं जिसको रेशियो याद नहीं है, रेज योर हैंड. देखते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है ना. ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको रेशियो नहीं याद है अभी, और अगर किसी ने हाथ नहीं उठाया तो मैं उससे पूछूंगा. जस्ट बताओ जल्दी से, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इतने ही बच्चे हैं ना पक्का, ठीक है ना. तो मैं आप किसी से भी कुछ भी पूछ सकता हूँ, ठीक है ना. चलो ये हो गया क्लास पी स्क्वायर अपॉन एच और पी स्क्वायर अपॉन एच. तो जिसके याद रखने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है, सावन का महीना चल रहा है, और अपने घर के बगल वाले पंडित का नाम रख दो, पंडित गत्री प्रसाद, है ना, हर हर बोले, है ना, बंडे बद्री प्रसाद. ये जो है साइन थीटा है, और ये है
कॉस थीटा है ना, और ये है टैन थीटा, ठीक है ना क्लास। तो आप अपने बगल वाले जो पंडित जी हैं जो मंदिर में है उनको जो है इसी नज़र से देखें, बट पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, घर के बगल में मंदिर है ना, है ना, तो बस नहीं है, नहीं है तो लगवा देंगे एक मिनट, घर में तो है, ठीक है ना। ठीक है, साइन थीटा है तो साइन थीटा में हम लोग जो होता है पी अपॉन एस, बी अपॉन एस, और ये इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो नहीं घर में अगर जो मंदिर नहीं है पूजा नहीं करते तो कोई बात नहीं, अपने पड़ोस वाले जो होता है मोटू जो मोड़ू मोड़ू कोई लड़का उसको रख दो पंडित पद्री प्रसाद हर हर बोल, लेकिन कुछ भी तो बोलो है ना, याद रखने का तरीका हमें मालूम होना चाहिए क्लास में से। तो ये कि क्या हो गया पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये है एच स्क्वायर और ये पी स्क्वायर है प्लस पी स्क्वायर। अब देखो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या होता है, ये एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये होते हैं होता है ना। तो क्लास पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू यू कैन राइट एच स्क्वायर, सो विल राइट हियर एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और ये कट करके वन ले लिया, दैट इज द आर एच एस। लिखने का तरीका जो है ऐसे ही होना चाहिए जैसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ये नहीं कि अलग तरीके से, ठीक है क्लास। तो होप सो यू हैव लर्न, है ना, आपको याद भी हो गया होगा ये रेशियो। और जैसे इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो इसका जस्ट अपोजिट कर लेंगे एच अपॉन पी, और ये जो होता है ना सेक थीटा होता है, तो इसका अपोजिट कर लेंगे एच अपॉन पी, और इसका होता है इसका अपोजिट कर लेंगे क्या कर लेंगे, क्लियर है क्लास, समझ में आ गया होगा। तो चलो हम लोग जो होता है नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है आई विल प्रोविट, हम लोग उस आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे, और ये है कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। एल एच एस है, एल एच एस विल राइट है एल एच एस, और एल एच एस से जब हम लोग चलेंगे तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, एच अपॉन बी, साइन का उल्टा है एच अपॉन बी, एच अपॉन बी होल स्क्वायर माइनस कॉट ऐसे जो होता है बोलते हैं एक साथ बोलोगे ना, तो फिर भाई देखो जिसको याद नहीं है वो बोलो, है ना, जिसको याद है वो मत बोलो, जिसको याद नहीं, जैसे आप क्या नाम है बेटा, हाँ अदिति, व्हाट्स योर नेम, आयुष, एंड दिस साइड यहाँ से बीच में कौन थे पीछे, आयुष एंड उनको, हाँ यही तीनों का मैं आवाज जानना चाहूंगा, ये यही बोलेंगे, और गलत बोले तो समझ लेना, इसके अलावा मुझे किसी की आवाज नहीं चाहिए, क्लियर है। तो देख लो क्या होगा विपुल, क्या होगा जल्दी बोलो, मैं लिखूंगा आगे जल्दी बोलो, ये होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं बताओ, ऊपर वाला ये अगर होल स्क्वायर है तो ऊपर वाले को ऊपर का स्क्वायर देंगे, नीचे वाले का नीचे का स्क्वायर, क्लियर है, हाँ यस यू कुमकुम, है ना, बिल्कुल सामने फ्रंट पे होना चाहिए, ये कितना होगा बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, हाँ जल्दी हो गया बेटा। और उसके बाद में फिर क्या करेंगे बताओ, ये क्या तुम एल सी एम का जल्दी बोलो, पी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर के बाद में ये क्या होगा, देखो डिवाइड करेंगे जैसे फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं ठीक उसी तरीके से, वी विल डू इट, सो पी स्क्वायर और पी स्क्वायर करके तो ये कितना हो गया एच स्क्वायर, दोनों में होता है एच सी एम, डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम होने पे क्या करते हो
न्यूमरेटर को जो प्लस रहता है प्लस का साइन रहता है तो प्लस, माइनस का साइन रहता है तो माइनस। तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, सो प्लस वी कैन राइट हियर एच स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एंड एच स्क्वायर। यहाँ से हम लोग आप निकाल लो, आपके पास क्या है एच स्क्वायर माइनस, तो एच स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर। सो प्लस है ना अदिति, वी कैन राइट हियर एच स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर क्या है, क्या लिखूं एच स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर क्या लिखूं, मतलब मैंने समझा फिर से बोलो थोड़ा बोलो, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूं, इसके जगह पे क्या लिखूं बेटा बोलो जल्दी आदित्य। हाँ नहीं, हाँ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया बेटा, तो ये कितना हो गया वन, दैट इज द आर एच, आर एच एस में हो गया। इस तरह से आप थर्ड सॉल्व करोगे पहले है ना, थर्ड नंबर देखता हूँ किसको किसको आया, ठीक है ना। हाँ मुझे पता है तुम कर देगा। क्लास लिसन, ये जो होता है एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वी कैन राइट हियर एंड कॉस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है ना इक्वल टू वन, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये क्या ले सकते हैं नहीं ले सकते, नहीं ले सकते है ना, अगर लोगे है ना तो इधर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए कभी भी वन माइनस, देखो यहाँ उल्टा लिखा हुआ ध्यान दे रखते हैं, उल्टा लिखा हुआ cosec स्क्वायर थीटा माइनस, कभी भी गलती ये नहीं कर देना कि साइन स्क्वायर थीटा ऐसा होता है तो वन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा, अगर ऐसा लिख दिया गलत हो जाएगा है ना, बिल्कुल गलत होगा। इसलिए ध्यान में रखना कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेस, ये जो है ना वन माइनस में आएगा, क्लियर है एकदम, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो है ये आपका हो गया sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, और देखो tan को हम लोग उधर ही रखेंगे, tan स्क्वायर थीटा अगर तो लिखना होगा तो क्या लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये माइनस इधर जाएगा, क्लियर है। इसको कभी भी आप ऐसा नहीं लिखेंगे वन माइनस सेक स्क्वायर थीटा, वन माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिखोगे गलत हो जाएगा, क्लियर है ये, ठीक है बेटा। ये तीन तीन फॉर्मूले हैं, इसके तीन तीन फॉर्मूले, देखो मेन तो यही तीनों, बाकी तो इसके तो नाटक है आगे पीछे होने का, ठीक है ना, वो तो कभी भी आप कर सकते हो डिपेंड करेगा। देखो उसके बाद में है अपोजिट वाले, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू वन, ठीक है ना, ये साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है वन अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है वन अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना, ये अपोजिट वाले हैं, ये जो है ना एक दूसरे से तो है ना साइन थीटा कॉसेक थीटा, ये वन है और कॉसेक थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू वन, और कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा है ना, और सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा, क्लियर है। देखो एक दूसरे का अपोजिट वाला था, ये अपोजिट वाला है और ये है, एक है टैन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू वन, टैन थीटा इक्वल टू
थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन टैन थीटा, ये है अपोजिट वाले, क्लियर है? यस सर। ये फार्मूला कट गया, एट पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 8.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है साइन ए कॉस सेक ए एंड टैन ए एक्सप्रेस इन कॉट ए, इसमें आपको कॉट ए में एक्सप्रेस करना है साइन ए सेक ए एंड टैन ए को। तो देखो बेटा साइन ए को हम लोग को कम, साइन ए को जो है वो किस में कंपेयर करना है, कॉट में, यार साइन से कॉट कैसे जाऊँ, कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ, यहाँ पे तो वो साइन स्क्वायर थीटा है, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट है, यार ये रास्ता नजदीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है वन, तो कॉसेक कॉसेक किसका अपोजिट है साइन का, कॉसेक किसका अपोजिट है साइन का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन कॉसेक, कॉसेक ए, कॉसेक ए लिख सकते हैं, और ये कॉसेक ए कब लिख दिया बेटा, देन इसको इसका ये फार्मूला यहाँ से देख लो ना, ये फार्मूला क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो कॉसेक कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और स्क्वायर, और कॉसेक कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं या नहीं, इसको भाई स्क्वायर को उधर रूट भेज दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दो, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा वन अपॉन रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, नो साइन ए, सॉरी यहाँ पे ए लिख देना, साइन ए का एक्सप्रेशन क्या होगा, क्लियर है नहीं है, हाँ बोलो क्या होता है वन है ना,